हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो देखो, इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट होगा हमारा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं तो वो मिल्की कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है, मिल्की कलर अपेयर होता है। ठीक है, अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट में हम एक और चीज़ सीखेंगे कि ये जो हम गैस एक्सहेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और एक्सहेल कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये भी प्रूव कर लेंगे कि जो हम गैस एक्सहेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसके लिए कुछ हमारे पास एपरेटस है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। ठीक है, तो एक फिल्टर पेपर है, और ये हमारे पास फनल है, ये स्पैचुला, इसे बोलते हैं स्पैचुला बोलते हैं। एक सिरिंज यूज करेंगे, और स्ट्रॉज हैं, स्ट्रॉ यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो टेस्ट ट्यूब्स फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब है, ये वैसे एक्चुअली बॉइलिंग ट्यूब है, लेकिन मैं ऐसे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास बीकर अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगा। और ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनमें हमने क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है कि लाइम वाटर के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो वो मिल्की कलर में टर्न हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मिल्की टर्न हो जाएगी। तो पहले हमारा काम होगा कि लाइम वाटर प्रिपेयर करना। ठीक है, तो लाइम वाटर प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले हम। तो लाइम वाटर प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं इसमें। तो इसमें ये वाटर ऐड कर दिया, थोड़ा और वाटर ऐड करते हैं, तो ये थोड़ा और वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, अब कोशिश करते हैं इसको मिक्स करने की। तो ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जितना मिक्स हो सके उतना मिक्स करेंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा इसका वेट करेंगे कि ये जो है, जो इसके सेडिमेंट्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा रख लेते हैं इसे, और इनके सेटल डाउन होने का थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे ये नीचे सेटल होते जा रहे हैं। देखिए, तो अभी हो जाएंगे, जल्दी ही ये सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये सेटल होंगे, वैसे हो ही रहे हैं ये सेटल। ठीक है, जैसे ही ये सेटल डाउन होंगे वैसे ही हम इसे कोई करेंगे क्या, फिल्टर। तो जैसे हम फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करने पर हमें मिल जाएगा क्या बेटे, लाइम वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लाइम वाटर। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप मार्केट से वैसे डायरेक्टली लाइम वाटर भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइम वाटर अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वो लाइम वाटर को प्रिपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा खतरनाक काम नहीं है, आसानी से हो जाता है। तो देखो धीरे धीरे, देखो फिल्टर होने लग गया, मतलब ये साफ होने लग गया ना ऊपर का पानी, थोड़ा सा नीचे वाला डिजोल्व हुआ नहीं। कोशिश करते हैं थोड़ा सा और डिजोल्व करने की इसे, मतलब कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल होगा उतना कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से ऐसे सेटल डाउन होने देते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे क्या, फिल्टर। तो फिल्टर के लिए, करने के लिए हम क्या कर, हम लेंगे एक फनल लेंगे। ठीक है, फनल लिया और एक लिया फिल्टर पेपर। तो पहले फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को इस तरीके से लेंगे और इसको भी फनल के शेप में ही बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने फिल्टर पेपर को ऐसे फनल के शेप में बना लिया, और इस फिल्टर पेपर को हम लगाएंगे कहाँ, इसके ऊपर। ठीक है, तो जो ये फिल्टर पेपर होता है बेटे, इसमें काफी फाइन बोर्स होते हैं, बहुत पतले पतले से छेद होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो उन्हीं को अलाउ करेगा, उन पार्टिकल्स को अलाउ करेगा जिनका साइज उनके फाइन बोर से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये हमारा, हाँ ये थोड़ा सा सेटल हो ही रहा अभी। ठीक है, तो हो रहा है, तो जरा सा वेट कर लेते हैं इसका सेटल होने का। तो पूरी तरीके से सेटल होने देते हैं इसे। ठीक है, जैसे ही सेटल हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके मिल जाएगा बेटा हमें क्या, लाइम वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका, हो रहा है।
ठीक है, तो काफी हद तक हो चुका है ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें हम करेंगे ऐसे फिल्टर। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको डालते हैं यहां से। तो देखो हो रहा है ये फिल्टर, ओके मिल रहा है हमें, देखो निकल रहा है ये, देखो जो ये है और जो ये, इन दोनों में देखो अंतर कितना है, काफी अंतर है ना। देखो थोड़ा सा और करें, अच्छा अभी हो ही रहा है, तो कुछ इसमें भी कर लेते हैं फिल्टर, दूसरे लिए टेस्ट ट्यूब में भी निकाल लेते हैं कुछ। ठीक है, तो देखो इसमें भी हमें क्या मिल गया, ये लाइम वाटर है। ये क्या है, ये लाइम वाटर है, और इसमें भी जो मिल रहा है लाइम वाटर है। तो मैंने दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में लिया है इन लाइम वाटर को। क्यों लिया है, क्योंकि मैं एक में डायरेक्ट एयर को ब्लो करूंगा और एक में अपने मुंह से ब्लो करूंगा। इसमें जो एयर ब्लो करूंगा ना, मतलब जो हम गैस एक्सहेल कर रहे हैं वो अपने मुंह से करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जितने की मुझे जरूरत है उतना ऑलमोस्ट हो चुका है, फिल्टर हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉ लेता हूँ और इसमें लेता हूँ एक सिरिंज को। क्या कर रहा हूँ, एक सिरिंज को ले रहा हूँ और इस सिरिंज को थोड़ा सा, अब देखो इस सिरिंज के अंदर का क्या होगा, इस सिरिंज के अंदर होगा एयर। ठीक है, तो मैं इसको लगाता हूँ, तो जो ये वाली जो है, ठीक है, इसमें क्या करता हूँ, इसके अंदर जो एयर होगी इसको इसमें इंसर्ट करता हूँ। और करते हैं, ठीक थोड़ा सा और करते हैं। तो देखो इसमें कोई भी असर नहीं पड़ रहा, बस थोड़ा और करते हैं। देखो ये जैसे था पहले, देखो पहले जैसे तरीके से था, क्लियर था, इसी तरीके से अभी भी है, क्लियर ही है। ठीक है, ये अभी भी कैसा है बेटे, अभी भी क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जो ये दूसरा टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, हमने एक और स्ट्रॉ ले लिया, अब इस स्ट्रॉ को इसमें डालते हैं और इस स्ट्रॉ में इससे क्या करेंगे, हम जो गैस को एक्सहेल कर रहे हैं उसको इसमें ब्लो करेंगे। ठीक है, तो चलो ब्लो करते हैं, निकल गया थोड़ा। थोड़ा और करते हैं, देखो कैसा हो गया, मिल्की कलर का हो गया। ठीक है, देखो कैसा हो गया बेटा, ये मिल्की कलर का हो गया। ठीक है, थोड़ा और करके देखते हैं, थोड़ा और हो जाएगा। तो ये था मेरे पास जो पहला टेस्ट ट्यूब था और जो ये बाद वाला टेस्ट ट्यूब था। तो दोनों के कलर्स में देखो कितना अंतर है, ये तो एकदम ट्रांसपेरेंट है जैसा पहले था, और ये देखो कैसा हो चुका है, मिल्की कलर का टर्न हो चुका है, ये मिल्की कलर में हो चुका है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था किस चीज के लिए, कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू, ये क्या था, लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड
लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, मिल्की कलर लेके आ जाता है। तो देखो मिल्की कलर में आ गया ये, ठीक है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से और हमने क्या सीखा, इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा कि भैया जो हम गैस को एक्सहेल कर रहे हैं वो कौन सी गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इस वाले में डायरेक्ट इससे जब एयर ब्लो किया था तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एयर नहीं करता ऐसा, ठीक है। एयर मिल्की कलर में टर्न नहीं करता, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मिल्की कलर में टर्न कर लेता है, ठीक है बेटे। चलो एक और चीज देखते हैं। देखो ये लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर का नेचर होता है बेटा बेसिक नेचर। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा डार्क तो है, ठीक है। तो लाइम वाटर को थ्रू मतलब लाइम वाटर पे जैसे ही हम लिटमस पेपर यूज करेंगे तो वो ब्लू कलर का टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लाइम वाटर में डालते हैं इसको, देखते हैं लिटमस पेपर को डालते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो मैंने इसमें डाला तो इस पे अपीयर हो रहा है ब्लू कलर, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लू नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लाइट ब्लू है। हो सकता है कि आपको इसका इस वीडियो में इसका कलर आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लू कलर में टर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर में टर्न हो रहा है जैसे हम इसमें मिला रहे हैं, ठीक है। तो हो चुका है, वैसे लाइट ब्लू हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लू नहीं हुआ ये, लेकिन हुआ ब्लू है। तो देखे हुए जरा देखो, पास से कोशिश करना, तो देखो ब्लू कलर में टर्न हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये चीज बताता है लिटमस पेपर यहाँ पे ब्लू में टर्न हो गया, इसका मतलब ये चीज बताता है ये क्या है, लाइम वाटर क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है बेटे, क्या है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो आज के इसमें वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और एक्सपेरिमेंट के साथ, कुछ और थ्योरी के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।